तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल के देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है उसको पहले मैंने थीटा डिग्री पर फेंका, ठीक है ना। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, चलो मान लेते हैं ये फर्स्ट केस है, और यहाँ से मैंने यू से फेंका और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिस एंगल इज थीटा ऑलरेडी गिवन। तो इसमें जो हाइट अटेंड हुआ, मैक्सिमम हाइट हाइट अटेंड बाई देम, तो ये हाइट एच वन अटेंड हुआ, दिस हाइट इज एच वन मैक्सिमम हाइट। अब मैंने उसी प्रोजेक्टाइल को दूसरे केस में मैंने यहाँ से 90 माइनस थीटा पे फेंका, ठीक ना। मतलब अगर मैं यहाँ मान लो थीटा कुछ 30 डिग्री हुआ, तो 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ मैं 60 डिग्री पर फेंक दिया। तो ये हम सबको पता है ऐसे केस में रेंज जो है वो सेम होता है। अगर ये रेंज आर है तो इस केस में 90 और 90 माइनस थीटा पे आप पड़े होगे, तो रेंज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो रेंज तो सेम आएगा पर हाइट सेम नहीं होता है, ठीक ना। तो ये जो हाइट है वो एच टू है, ठीक ना, हाइट की वैल्यू अलग अलग आती है। तो ये कह रहे हैं उनकी हाइट हमें कैलकुलेट करना है, डिफरेंस ऑफ हाइट पहले से पता हुआ, मतलब इक्वेशन पहले से फर्स्ट इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, तो उसको मैं डिफरेंस ऑफ हाइट एच वन माइनस एच टू दैट इज 50 मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो 98 मीटर पर सेकेंड यहाँ से दिया हुआ, ठीक है। दोनों केस में है यू की वैल्यू 98 मीटर पर सेकेंड ये वाला। तो अगर तुम देखोगे डिफरेंस इन हाइट, तुम इस इधर कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे प्यारे बच्चों, तो कैसे किया जाए। सबसे पहले सम ऑफ हाइट निकाल लेते हैं। तो पहले केस में हाइट एच वन की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरे केस में जो हाइट है एच टू वो आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। 90 माइनस थीटा क्या होता है यार, यू स्क्वायर और साइन साइन यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर तुम देखोगे यहाँ साइन यहाँ से आ जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से यू स्क्वायर यहाँ से और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इक्वेशन नंबर टू। तो अगर तुम इनका सम करोगे, एच वन प्लस एच टू का सम करोगे, एच वन प्लस एच टू का सम करोगे, तो यह आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2g यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि यू स्क्वायर 2g यहाँ से कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू की वैल्यू डाल दो यहाँ से, यू की वैल्यू 98 मल्टीप्लाइड बाई 98, ठीक है ना, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, ठीक है। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये 98 इससे कट जाएगा और ये इससे फाइनली एच वन प्लस एच टू की जो सम आ जाएगी यहाँ से, एच वन प्लस एच टू की ये 449 आ जाएगा। तो एच वन प्लस एच टू का सम आ जाएगा वो आ जाएगा 490 आ जाएगा ना, 490। और एच वन माइनस एच टू का जो डिफरेंस है वो 50 है, तो अगर मैं यहाँ दोनों को जोड़ देता हूँ तो एच टू ख़त्म हो जाएगा, 2 टाइम्स एच वन की वैल्यू यहाँ से 490 और 50 540। तो एच वन की वैल्यू आ जाएगी 270। तो 270 मीटर पहली वाली हाइट होगी, अगर पहली 270 है तो दूसरी जो जो हाइट है वो आ जाएगी 50 प्लस एच टू की वैल्यू आ जाएगी 270, 270 माइनस 50 तो ये आ जाएगा 210। तो पहला 210 मीटर, पहले वाले केस में जो हाइट है 270 होगा और एंगल बढ़ा जाओगे तो 210 जो है यहाँ से 270 220 आ जाएगा ना यार, यहाँ 50 घटाए हो ना, तो सॉरी यार यहाँ से 220 आ जाएगा ये। तो 220 अगर तुम यहाँ से देखोगे तो अगर 270 220 मतलब ए ऑप्शन अपना सही है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।